हेलो एवरीवन, वेलकम आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा, आज की इस वीडियो के अंदर यार हम बात करेंगे कि अभी जो राइट टाइम में जो रशिया के अंदर वर्क सिचुएशन है क्या है, मतलब जो मार्केट वगैरह कैसे क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और जो मतलब वीडियो कंप्लीट जरूर देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है इसके अंदर, वर्क से रिलेटेड भी है और कुछ टिप्स भी हैं आप अगर यहाँ पे लोकल लाइफ रहते हो तो आपके लिए इम्प्रूव वगैरह कैसे हो, तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप आसपास के वेदर का चेकआउट करो, फिर उसके बाद बात। सो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे ऐसा कुछ जो है, यहाँ पे मोन्यूमेंट वगैरह बना रखे हैं, सामने फ्लोवर वगैरह है। तो देखो मतलब अभी है ना एक डेढ़ महीने की और जो है यहाँ पे वो मतलब गर्मी है और फिर जो है सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये सारे फ्लावर्स वगैरह है ना सारे ढक जाएंगे बर्फ़ से। अभी देखो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पे बैठा हूँ, वो मेरा बैग पड़े उस साइड और इस साइड जो रोड वगैरह है। तो देखो ऐसा कुछ सामने है। अब वेदर भी देखो, कभी भी बारिश आ सकती है, इनका वेदर का कोई पता नहीं। देखो इस साइड से साफ है बादल और इस साइड से जो कभी भी बारिश आ सकती है एनी टाइम। करते हैं कि यार यहाँ पे वर्क वगैरह का कैसे क्या सिचुएशन है, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ उससे पहले। वो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, अब जैसे ये पिलर लाइट वाले, अब देखो यहाँ पे भी एड लगा रखी है, देखो राबोताई मतलब वर्क की, इनको वर्क की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे इनके नंबर वगैरह लगे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो काम वगैरह चाहिए, आप यहाँ से ऐसे नंबर ले सकते हो। और सामने दूसरे वाले उस पर जाके मैं दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे भी स्टिकर लग रखे हैं वर्क के लिए। तो देखो यहाँ पे सामने मैंने दो स्टिकर दिखा दिया, जगह जगह ऐसे स्टिकर लगे हुए हैं अभी। तो उस साइड भी जो है वो पोल वगैरह वहाँ पे भी देखो रेड रेड कलर के अंदर लगे हुए हैं स्टिकर वगैरह। सो देखो यार, अब मैंने आपको ऑन द स्क्रीन आपको दिखाया, लाइव दिखाया कि मेरे आगे स्टिकर लगे हुए हैं। तो अब मैं बात करता हूँ वर्क की। देखो वर्क की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, मतलब बस बंदा जो है, जो भी आप काम कर रहे हो यहाँ पे काम करने आ रहे हो, वो मेहनती होना चाहिए और टाइम पे वर्क पे जाए। और ऐसा क्या है यहाँ पे, जैसे मतलब आपको पेमेंट वगैरह भी सही मिलती है, ऐसा नहीं है कि आपके पेमेंट वगैरह रोक ली नहीं दी इन्होंने, तो मतलब ऐसा नहीं होगा। हाँ कई बार रोक लेते हैं सिक्योरिटी अमाउंट के लिए, लेकिन पेमेंट सिस्टम भी अच्छा है अपने इंडिया से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा है। कई जगह जो इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है, वो डिफरेंट कंट्री टू कंट्री रहता है। अब मेनली बात करते हैं जॉब वगैरह की। जॉब वगैरह जो है यहाँ पे आपको अवेलेबल है, अभी भी आप आ सकते हो, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा स्ट्रगल होगा आप आते हो यहाँ पे। अब देखो काफ़ी सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई हमें जॉब वगैरह दिला दो, हेल्प वगैरह कर दो। तो देखो मैं आपको बताऊँगा कि यार आप ही मैसेज नहीं करते, और भी काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है कि जो है मैं सबके रिप्लाई दूँ और जो है आपकी हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि हेल्प भी एक लिमिटेड जो है वो होती है, लिमिट तक होती है। मैं भी कितना करूँ यार, आप भी समझो ना। जैसे मेरा भी चैनल है तो यहाँ पे मैंने नंबर वगैरह दे रखे हैं, तो काफ़ी सारे जैसे आप मेरे को मैसेज करते हो जॉब वगैरह के, तो वैसे काफ़ी सारे और दूसरे लोग भी वो मेरे को जो मैसेज करते हैं, तो मैं सबकी तो इम्पॉसिबल यार हेल्प वगैरह नहीं कर पाऊँगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे लगे आप इनको कॉल करो, लेकिन वही बात है ना, मेनली आपको जब तक लैंग्वेज नहीं आएगी आपको जो है थोड़े बहुत डिफिकल्टी आएगी। आप आओ यहाँ पे 10-15 दिन अपने जो है पूरा ध्यान दें लैंग्वेज के सीखने के ऊपर, कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी लैंग्वेज को कैच करो, बेसिक वर्ड सीखो और जो है वो आप जो है यहाँ पे करो, क्योंकि एक बार आपको लैंग्वेज आ गई तो वो फिर आपके लिए अच्छे है। अब मैं आपको बताऊँ, देखो आपने एक वीडियो देखी होगी मैं यहाँ पे, उसका जो है थंबनेल लगा दूंगा, जो अंकल जी आए थे हिसार से, तो अभी वो जॉब वगैरह भी करने लगे और उनका मतलब सेटलमेंट हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो उस बात भी होती है अंकल जी से। अभी आने वाले टाइम के अंदर जो है मैं उनके साथ और वीडियो भी बनाऊँगा, तो मतलब काफ़ी सही लगता है यार ऐसे, मतलब आते हैं फिर जो है उनकी सैलरी वगैरह भी आ जाएगी, अभी तो मतलब काम वगैरह भी कर रहे हैं वो, कोई दिक्कत नहीं आ रही उनको, तो ये भी यार मेरे लिए भी काफ़ी सही बात है कि चलो भाई अच्छा है आए थे और जो है अपना काम वगैरह जो है वो हो गया, तो ये भी सही है यार। फिर जो है ये अपना, और फिर उसके बाद जो है अंकल जी काम वगैरह लग गए, और आप भी जैसे ही आओगे ना आपको भी काम वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको जो है मेहनत करनी अच्छे से और जो है काम वगैरह आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं कि उसके बाद जैसा सारी चीज़ें कैसी क्या है, यहाँ पे वर्क वगैरह का मैंने बता दिया। फिर दूसरा क्या है यहाँ पे, आपका लैंग्वेज बैरियर तो होगा यार, ऑब्वियसली बात है रशिया है तो ये रशियन लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं ना कि इंग्लिश लैंग्वेज को, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आप आ रहे हो यहाँ पे तो हमेशा ट्राई करो कि आप रशियन लैंग्वेज का जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखो। तो ये तो रह गया आपका वर्क वगैरह से रिलेटेड, बाकी और भी स्टूडेंट आ रहे हैं अभी और जिनके भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो है टाइम पे मिल जा रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, और सारा का जिनका प्रोसेस वगैरह ऑलरेडी स्टार्ट है तो आप डोंट वरी, आपका भी हो जाएगा। तो यार ये था इस वीडियो के अंदर, बाकी आने वाले टाइम के अंदर जो है और अच्छे अच्छे सरप्राइज़ आने वाले हैं। एक बारी जो है रुको, थोड़ा टाइम दो मेरे को, 10-15 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ आने वाला है आप सभी के लिए। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, लव फ्रॉम रशिया।